अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करेंगे आज कि कोरोना की एक तो बीमारियों से बचाने के लिए जो मेडिसिन हम लोगों ने याद की उसके बारे में, और कोरोना की बीमारी लगती कैसे कैसे है उसके बारे में। कोरोना की बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज्यादा मेडिसिन अवेलेबल है। जितने सोशल मीडिया पे यूजर हैं उनसे दुगनी तिगनी तादाद में जो है कोरोना के सोल्यूशन जो है वो मौजूद है कि कैसे बचा जा सकता है। ओमान गवर्नमेंट ने स्पेशली अनाउंस किया था पिछले वीक में, आज तरीके 12 जुलाई 2020, तो अनाउंस किया कि कोई बंदा भी जो कोरोना की मेडिसिन के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से गलत खबर फैलाएगा उसको 3 साल की सजा होगी, 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अब जो है एक नई अफवाह जो है वो चल रही है कि बैंक नोट्स जो हैं या कॉइन्स जो हैं सिक्के, उनको हाथ लगाने से, टच करने से जो कोरोना की बीमारी है वो लगती है। तो दुनिया की जितनी भी अथॉरिटीज थी वो सर पकड़ के बैठ गई, भाई ये र्यूमर्स जो हैं ये तो रुक ही नहीं रहे, रुकेंगे भी नहीं। खैर अफवाहें फैलाने वाले तो वो फैलाते रहेंगे। तो जितनी स्पीड से लोगों ने सोल्यूशन दिया था उतनी स्पीड से उसकी बीमारी बढ़ने के वो भी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बढ़ती है। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि भाई नोट से कोरोना की वबा जो है फैलने का या लगने का अभी तक कोई वो सबूत नहीं है। ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है कि कोरोना जो है वो बैंक नोटों से फैलता है या कॉइन से फैलता है। सो कभी भी बेबुनियाद ऐसी र्यूमर्स अफवाह पे तवज्जो मत दें, लेकिन साथ में आप सबको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हर वक्त कोशिश यही करनी चाहिए कि आप किसी भी चीज को हाथ लगाएं तो उसके बाद आप हाथ जरूर धोएं या हैंड सैनिटाइजर या वो लाजमी इस्तेमाल करें। आंख कान नाक मुंह को मत छुएं, यानी चेहरे को छूना जो है वो बगैर साफ हाथों के मना किया गया है। वैसे भी सफाई निसफ ईमान है, तो हमेशा पाक साफ रहना चाहिए। बाकी ये र्यूमर जो है वो बड़े जदीद जो है वो भी आते जाएंगे। कुछ लोगों ने बोला जी कि फलां मेडिसिन खाने से जो है ना वो कोरोना की बीमारी हो जाती है। एक फवाह ये भी आई थी कि फलां अगर ये मेडिसिन खाओगे तो आपको कोरोना होने का खदशा है, स्टॉप इट, ये खाओ इससे खत्म हो जाएगा, ये करोगे इससे लग जाएगा, ये नहीं करोगे तो लग जाएगा, ऐसा का वैसा, यानी जिन्ने मुंह होनिया गल्ला। सो बात लंबी हो रही है, सिंपली भाई कभी भी किसी भी र्यूमर पे फवाह पे तवज्जो मत दें। ऑफिशियल सोर्सेज से जितनी भी न्यूज आती है उन पे तवज्जो दें। अगर मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर यकीन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तुम ऐसे ही शुरू हो जाते हो, भाई शुरू होना होता तो फिर हम भी लंबी लंबी छोड़ रहे होते और हमारे हम क्या कहते हैं सक्सेसफुल यूट्यूबर होते, रोजी रोटी ना इधर ना बैठ के ना कर रहे होते, अपना स्टूडियो बनाया होता और बैठे ये देखो मेरा स्टूडियो, ये गलत खबरें फैला फैला के मैंने बनाया। सो इंशाल्लाह खैर हमारा टारगेट जो है वो है आप तक सही खबर पहुंचाना, और उन लोगों के लिए स्पेशली जो अखबार नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ सकते, और वो तमाम लोग जो डायरेक्टली यानी कह लें कि न्यूज़पेपर्स वगैरह वो जो रीड नहीं करते, तो बहुत सारा तबका ऐसा है जो रीड पढ़ना नहीं जानता है। सो उनके लिए हमारी सर्विसेज यहाँ ओपन है। एंड आई ऑलवेज डू कमेंट बैक ऑल्सो, आप कमेंट करेंगे मैं विद इन 1 आवर या विद इन 1 डे, एक दिन 24 घंटों के दरमियान मैंने टारगेट रखा हुआ है इंशाल्लाह कि मैं रिप्लाई करूंगा, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिप्लाई कर देता हूँ। कुछ लोग किसी को इमीडिएटली भी रिप्लाई करो तो वो बाद में नाराज होते हैं कि भाई आपने 5 मिनट बाद रिप्लाई किया, ये कौन सा रिप्लाई। तो भाई जान थोड़ा हम भी इंसान है, हमारी स्पीड जो है वो बकरी का जिगर है, तो बकरी जैसे दौड़ेंगे हम, बकरी के जिगर के साथ चीते जैसे तेज नहीं दौड़ सकते। सो थोड़ा कोऑपरेट करें इंशाल्लाह, फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि आपके जो है ना कमेंट्स का भी बहुत जल्द जो है वो जवाब दिया जाए। सो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब भी तो बगैर नहीं दौड़ना। अल्लाह हाफिज़।